गोभी के कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ पम्मी। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के कोफ्ते। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं गोभी के कोफ्ते को कैसे बनाया जाता है। ये 1 कप हमने कद्दूकस की हुई गोभी ली है। गोभी को अच्छे से हमने साफ कर लिया था और इसे मोटे कद्दूकस के साथ ग्रेट किया है। ये 1 कप है, इसका वजन 150 ग्राम है। बेसन 4 टेबलस्पून, 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, इनको मैश कर लेंगे अच्छे से। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक छोटा अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, हरा धनिया तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आलू हमने इसलिए डाले हैं ताकि इसकी कोफ्ते की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम हरी मिर्च डाल चुके हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके कोफ्ते के बॉल्स बना के रख लेंगे, छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरह बाकी के बॉल्स भी बना लेंगे। सारे कोफ्ते के हमने बॉल्स तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। तेल को हमने गैस पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। चेक करते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब इसमें कोफ्ते डालेंगे। पहले हम एक कोफ्ता डालेंगे, देखेंगे कि फटता तो नहीं है, चेक करेंगे। इसे एकदम से पलटी नहीं करना, 15-20 सेकंड के बाद इसे पलटी करना। गैस को लो मीडियम के बीच में रखना है। अब इसे पलटी करेंगे और ऐसे ही पलटी करके सब तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब मैं बाकी और भी डाल रही हूँ, एक दो। साइड पलटी करेंगे इनकी। और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले वाला कोफ्ता गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसी तरह जो बाकी के रह गए हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। साइड पे रख के इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। हमारे इतने मिक्सचर के 8 कोफ्ते बने हैं। अब इसको साइड में रख देंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसको भी साइड में कर देंगे। एक पैन लेंगे, उस
इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है। ये हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे और 7-8 कली लहसुन लिया था, उनका पेस्ट बना लिया। अब इसको भी पैन में डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। कड़छी चलाएंगे और गैस को मीडियम हाई के बीच में कर देंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। लहसुन और प्याज अच्छे से भुना जा चुका है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और तेल भी छोड़ दिया इसमें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको हमने ग्राइंड करके प्यूरी बना ली थी, ये भी डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इनमें सूखे मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च, ये हमने देगी मिर्च ली है, इससे कलर सब्जी का बहुत अच्छा आता है, 1/2 टीस्पून। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। अब साथ में इसमें ये किचन किंग मसाला है, ये भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते, इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कड़छी लगातार चलानी है ताकि मसाले नीचे नहीं लगे और गैस को मीडियम पे रखना है। मसाले को भूनते 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इसे ऐसे क्रश कर लेंगे। अभी मसाला और भूनेंगे क्योंकि अभी इसने तेल नहीं छोड़ा। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो कम डालिए, ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा पानी डालिए, अंदाजे से डालेंगे। मैंने अभी इसमें 1/4 लीटर पानी डाला है। गैस को फुल पे कर देंगे और एक उबाल आने देंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखेंगे क्योंकि इसमें कोफ्ते डालने हैं, कोफ्ते काफी पानी ग्रेवी सोख लेते हैं, ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी ग्रेवी इसकी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे और इसे ढक के रखेंगे और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे और कड़छी से स्टर करते रहेंगे। इसे तकरीबन हमने 10 मिनट और पकाना है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी हमारी तैयार है। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अब गैस को बंद कर देंगे। कोफ्ते को हम ग्रेवी में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट है, जिसमें आलू डले हैं तो आलू से कोफ्ता और सॉफ्ट हो जाता है, तो हम ग्रेवी को कोफ्ते में डालेंगे। इसलिए हमने सर्विंग डिश में पहले कोफ्ते जमा दिए, अब इसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, गोभी के कोफ्ते। देखिए कितने यमी लग रहे हैं। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये हमारी डिश कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।